दोस्तों इंडिया 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इस तेजी से बदलते हुए देश की एक मैसिव एनर्जी नीड है आज इंडिया की 80 परसेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल ऑयल और बायोमास को यूज कर जनरेट की जाती है लेकिन जिस क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर आज इंडिया चिंतित है इसे एड्रेस करने के लिए हम अपने ग्रोथ के लिए पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से डिराइव करने होंगे इस स्टेप की ओर कदम बढ़ाते हुए इंडिया ने एलईडी लाइटनिंग और सोलर एनर्जी की ओर अपनी दिशा मोड़ी है ये इनिशिएटिव्स इनिशियटिव केवल आने वाले समय में इंडिया के पावर जनरेशन और कंजम्पशन को बदलने वाले हैं बल्कि ये इंडिया को इकोनॉमिक और जियो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे आज इस वीडियो का मकसद इंडिया में आए इसी एनर्जी रिवोल्यूशन को आपके लिए डी करना है इस डिस्कशन के माध्यम से इंडिया द्वारा लिए गए उन स्टेप्स पर चर्चा करेंगे जिससे इंडिया आज ग्रीनर एनर्जी का फ्लैग बीरियर बनकर उभरा है इसके अलावा इस रिवॉल्यूशन से इंडिया को होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे भी हम चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग डिस्कशन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आई में दोस्तों इंडिया आज वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है एक्सपर्ट्स द्वारा इस बात की उम्मीद है कि 2030 तक ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी लेकिन इसके साथ ही यदि इंडिया ग्रीन एनर्जी की ओर अपने कदम नहीं बढ़ाता तो हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड का भी मेजर सोर्स बन जाएगा 2018 के आंकड़ों के मुताबिक इंडिया ने ग्लोबल सी ओ एमिशन का 7 परसेंट अकेले एमिट किया था ऑल ये आंकड़े चाइना के 28 परसेंट और यूएस के 15 परसेंट से कम है लेकिन तेजी से डेवलप होते इंडिया की एनर्जी नीड बढ़ रही है और हमारा देश आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल पर ही डिपेंडेंट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी 80 परसेंट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल ऑयल और बायोमास से जनरेट होती है यदि एनर्जी यूज की बात करें तो 2000 से लेकर आज तक हमारी एनर्जी नीड दुगनी से ज्यादा हो चुकी है और इस एनर्जी नीड में पावर जनरेशन देश में प्रोड्यूस हुए कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया के एनर्जी डिमांड को देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2040 तक हम दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे दोस्तों केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हुए अगले 20 ईयर्स के अंदर इंडिया में 270 मिलियन पीपल और एड होंगे जो एनर्जी कंजम्पशन को फर्दर इंक्रीज करेंगे इसके अलावा डेवलप होते हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए आने वाली नई सीमेंट और स्टील फैक्ट्रीज भी CO2 एमिशन को इंक्रीज करेंगी इन चैलेंजेस के बावजूद कई एक्सपर्ट्स इस डोमेन में इंडिया के अचीवमेंट से इंप्रेस नजर आते हैं आईई ए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फतेह बिरोल कहते हैं कि इंडिया ने रिसेंट इयर्स में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है इस प्रोग्रेस में इंडिया का सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बूस्ट करना पर्टिकुलरली इंप्रेसिव है उसके अलावा हाउस द्वारा एलईडी लाइटनिंग के यूज का प्रमोशन भी इंडियन गवर्नमेंट के की, की सक्सेस है दोस्तों इंडिया के लिए एलईडी लाइट्स केवल एक कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंट और क्लीनर लाइटिंग ऑप्शन से कहीं बढ़ के है एलईडी ने ये प्रूव किया है कि सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस कर रहे इंडिया के लिए ये लाइट्स एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की ड्राइवर बन सकती हैं 2018 से 19 के बीच इंडिया ने 86 परसेंट इंक्रीज के साथ 5 मिलियन यूनिट्स एलईडी एक्सपोर्ट्स करते हुए खुद को एक ग्लोबल हब के तहत प्रोजेक्ट किया था इन एलईडी लाइट्स के साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड को एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग के उस ट्रांजिशन में लीड कर सकता है जिसके लिए आज सारी कंट्रीज एफर्ट्स लगा रही हैं दोस्तों एल लाइटिंग एनर्जी कंजम्पन रिड्यूस करने के अलावा पूरे वर्ल्ड को मरकरी पॉल्यूशन से भी बचा सकता है जिसके कारण कई लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंसीज़ और दूसरे हेल्थ हजार्ट होते हैं मरकरी का यूज़ फ्लोरोसेंट लाइटिंग प्रोडक्ट्स जैसे सी और ट्यूब लाइट्स में हुआ करता है द मिना माता कन्वेंशन और मरकरी एक ग्लोबल ट्रीटी है जो प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में मरकरी के यूज़ को एलिमिनेट करने का एम रखती है 2017 में फोर्स में आने के बाद से 132 कंट्रीज़ ने इसे रेटिफाई किया है जिसमें इंडिया भी शामिल है इंडिया ने 2018 में इसे रेटिफाई करते हुए दूसरे कंट्रीज के साथ मरकरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को फेज आउट करने का गोल परसू करना शुरू किया है इसमें सबसे ज्यादा फोकस मरकरी बेस्ड फ्लोरसेंट लाइटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर है यू तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मरकरी बेस्ड लाइटिंग प्रोडक्ट्स को फेज आउट करने के लिए ट्वेंटी की डेट डिसाइड की गई थी लेकिन इंडिया ने अपनी जियोग्राफिकल वास्टनेस और डिस्पैरिटी को देखते हुए इसे ट्वेंटी तक कंप्लीटली इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है 2018 से 19 के बीच प्रोड्यूस हुए 1.4 बिलियन इलेक्ट्रिक लैम्प्स में 2% परसेंट और 9% परसेंट ट्यूब लाइट्स थीं लेकिन एल के प्रमोशन और एडोपशन को रिवोल्यूशनराइज करते हुए इंडिया आज वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एल प्रोड्यूसर बनकर उभरा है इस रेवोल्यूशन की शुरुआत 2015 में हुई थी जब इंडिया ने डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एल फॉर ऑल यानी उजाला को लॉन्च किया था इस प्रोग्राम के तहत 770 मिलियन इन कैंडेन्ट लैंप्स को एलईडी बल्ब से रिप्लेस करने का टारगेट था इसके अलावा उसी साल स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम यानी कि एस के तहत कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट्स को स्मार्ट और एनर्जी डिफिशियंट एल स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस करने की इनिशिएटिव भी लॉन्च की गई थी दोस्तों एस इस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम था जिसके अंडर देश में अब तक 12 मिलियन स्ट्रीट लाइट बल्ब रिप्लेस किए जा चुके हैं और 2024 तक 30 मिलियन और बल्ब रिप्लेस कर दिए जाएंगे लास्ट ईयर जनवरी में हमारे पावर मिनिस्टर आर के सिंह ने इन प्रोग्राम्स को लार्ज सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का लीड ड्राइविंग फोर्स बताया था दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि इन प्रोग्राम के स्टार्ट होने के साथ ही हमारे देश के एलईडी मार्केट में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखा जा सकता है उजाला प्रोग्राम के 700 बिलियन टारगेट से कहीं बढ़कर अब तक देश में 1.15 बिलियन एलईडी बल्ब्स सेल किए जा चुके हैं 2018 से 19 तक एलईडीज ने लाइटिंग मार्केट में अपना शेयर 135 परसेंट इंक्रीज करते हुए टोटल वैल्यू का 80 परसेंट कैप्चर किया था और इस एक्सपेंशन के साथ ही जहां एक और ट्वेंटी से 15 में 4.8 मिलियन एलईडी लाइट्स प्रोड्यूस हुए थे वहीं 2018 से 19 में 661 मिलियन बल्ब्स प्रोड्यूस किए गए थे एलईडी लाइट्स में इंडिया के ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ ने वर्ल्ड को एक क्लीन और एफिशिएंट फ्यूचर का रास्ता दिखाया है उजाला और एस प्रोग्राम्स की मदद से इंडिया आज फोर्टी मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अवॉइड कर पाया है इसके अलावा हमारे देश में पीक डिमांड की 10,911 मेगावाट एनर्जी रिड्यूस हुई है जिससे हर साल कंज्यूमर्स को 19,000 करोड़ रुपीज की बचत होती है इन सब के अलावा एलईडी रिवोल्यूशन ने इंडिया के सामने एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी कई अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर की हैं जो ये शो करता है कि यदि इंडिया आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करे तो इससे देश और समाज के कितने सेक्शंस में बदलाव लाया जा सकता है दोस्तों आज इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 70 परसेंट कोल द्वारा पावर्ड है लेकिन इसके विरुद्ध प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह प्लेज लिया है कि इंडिया 2030 तक केवल सोलर और दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेस से अभी के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ग्लासगो में हुए सी क्लाइमेट समिट के दौरान पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया आने वाले समय में अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 हंड्रेड तक बढ़ाने वाला है और इसके साथ 2030 तक इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50 परसेंट रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कई ऑफिशियल्स के अनुसार इंडिया में कई ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन हैं जो सोलर एनर्जी के लिए सूटेबल हैं राजस्थान स्टेट के भदला पार्क का एरिया सैन मेरीनो जितना है और साल में 325 डेज वहां खुली धूप रहती है सोलर पावर रेवोल्यूशन के लिए यह एरिया परफेक्ट है 5,700 हेक्टेयर्स में फैला ये पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है जिसकी कैपेसिटी 2,245 मेगावाट्स है ये पार्क आज एक एग्जाम्पल है जिसके तहत डेजर्ट जैसे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया को भी कैपिटलाइज करने की अप्रोच दिखाई गई है दोस्तों इंडिया के लिए ग्रीनर फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाना एक नेसेसिटी भी है इंडिया जहां आज लगभग 1.3 बिलियन लोग रह रहे हैं वो आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने की कगार पे है इस ह्यूज पॉपुलेशन के साथ इंडिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए ग्रीनर फ्यूचर की सस्टेनेबिलिटी नजर आ रही है एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को देखते हुए इंडिया मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में से एक है रिन्यूएल एनर्जी सोर्सेज की ओर कदम बढ़ाने से न केवल पावर सेक्टर डीकार्बोनाइज होगा बल्कि इंडिया में एयर पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा इंडिया में आज कई सिटीज के लोग टॉक्सिक एयर के कारण हेल्थ इश्यूज फेस करते हुए नजर आते हैं लेकिन इंडिया के एनर्जी कंजम्पन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले सालों में कोल इंडिया के पावर जनरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना रहेगा दोस्तों तो तो इंडिया में ग्रीन एनर्जी जनरेशन पिछले टेन ईयर्स में इंक्रीज हुआ है लेकिन अपने ट्वेंटी थर्टी गोल्स को अचीव करने के लिए इसे फर्दर पुश करने की ज़रूरत है भदला सोलर पार्क जैसे इनिशिएटिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी और पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के कलेक्शन के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हमारे पास कई ऐसे लैंड एरियाज़ हैं जहाँ किसी भी तरह का फॉरेस्ट या वेजिटेशन कवर एबसेंट है ऐसे एरियाज़ सोलर पावर प्लांट्स के लिए आइडियल हैं गवर्नमेंट आज राजस्थान जैसे स्टेट्स और सिमिलर रीजन्स में रिन्यूएबल फर्म्स को इंसेंटिवाइज कर रही है जिससे सोलर प्लांट्स की डिमांड भी बढ़ती हुई दिख रही है यदि ये सर्ज सस्टेन करता है तो कोल फायर पावर प्लांट 2024 तक ही अपना पीक देख लेंगे इसके अलावा आज इंडिया में सोलर पावर टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का 4% परसेंट करता है और हमारे पीएम के अनाउंसमेंट से पहले इस बात की उम्मीद थी कि 2040 तक इंडिया के टोटल एनर्जी का 30 परसेंट सोलर प्लांट्स द्वारा जनरेट किया जाने लगेगा लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ने इस प्रोडक्शन को प्रीपोन कर दिया है और उम्मीद है कि इंडिया ट्वेंटी तक अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल रहेगा दोस्तों आईए के अकॉर्डिंग इतने चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया की अचीवमेंट इंप्रेसिव रही है चाहे वो एलईडी लाइटिंग का प्रमोशन हो या सोलर एनर्जी की तरफ से लिए गए स्टेप्स इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के साथ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पीपल को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा है इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंडिया इस इंडस्ट्री में खुद को ग्लोबल लीडर प्रूव कर सकता है जो हमारे देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस के लिए कारगर साबित होगा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ के साथ इंडिया के सामने अभी कुछ चैलेंजेस भी हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बावजूद कई रीजन अनरिलाल सप्लाई फेस करते हैं और इंडिया में 600 मिलियन से ज्यादा लोग आज भी कुकिंग के लिए फायरवुड का यूज करते हैं ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इन इशूज को टैकल करते हुए इंडिया खुद को रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बनाए और एक क्लाइमेट कॉन्शियस देश बने तो दोस्तों ये थी कहानी इंडिया की ग्रीन एनर्जी रिवोल्यूशन की आपके हिसाब से इंडिया को एक क्लीन एनर्जी सुपर पावर बनने के लिए अभी किन किन प्रॉब्लम्स को टैकल करना बाकी है और इसको मॉडर्नाइज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए जय हिंद जय भारत